एम डी आई दिस इज बेटर सब कुछ बात करूंगा अगर आपके पास कॉल होगा सर मुझको ये बताओ आई है करते हैं ना दिससेट so, काम की बात करते हैं वी गॉट द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द आई एफ टी इज इट फॉर द डेली इट इज फॉर द कैलकटा और दिस इज वॉट कुड बी अफ्ट सिटी सो गिफ्ट सिटी अभी एक क्वेश्चन मार्क है बट चांसेज आर दे आर इन द प्रोसेस बट आप गिफ्ट सिटी के बारे में सोचना अभी बंद करो अगर आपको गिफ्ट सिटी मिलता है तो इट्स अ गुड लक नहीं तो वी हैव अ कॉल ऑफ डेल्ही कोलकाता फॉर द एम बी आई बी एंड बी ए प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट आ चुका है ऑन द बेसिस ऑफ कैट एंड द जी मैट सो बहुत सारे मेरे जो मैंने वीडियो बनाई थी फ्रॉम राइट नाउ आई एम एट माई विलेज इन द फॉर मैरिज सेरेमनी तो उसमें मैंने वीडियो में बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हमारे व्हाट्सएप भी आया कि विल वी गेट एनी मेल नहीं आई आपको मेल नहीं भेजेगा आपको आई की साइट पे जाके देखना होगा सो व्हाट नेक्स्ट आपके पास आई का शॉर्ट लिस्ट आ गया है वेट फॉर द्री टू फोर डेज आई अपने साइट पे एक PDF अपलोड अगेन करेगा जिसमें क्या होगा सीवी फॉर्म

द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ यूस कभी कभी हम फाइव मार्क्स भी देते हैं समटाइम्स वी गिव दिक्स मार्क्स डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल बट आपके पास आपका मैंटॉस होगा थ्री टू फाइव मार्क्स होंगे इफ़ यू सी दिस कॉस्ट इज एन अयर साइड आई वो सिस कॉस्ट इन लोअर साइड यू आर गोइंग टू गेट अ मैंटॉस बाई मी थ्री टू फोर फाइव मार्क्स मतलब आपके पास प्लस लाइव सेशन ऑफ अ जी डी एंड वैट एंड पी आई एंड अदर सेट द रिक्डिंग्स तो अगर आप इसको देखना स्टार्ट करोगे तो प्रोफेशनली दिस इज गोइंग टू कॉस्ट थर्टी थाउजेंड अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल चार्जेस के सिंस दिस इज गोइंग टू मैक्सिमम इवेंट जो होगी हमारे ग्रुप में होती है तो चार्ज को हम डाउन कर रहे हैं दिस दिस इज इज नो प्रॉफिट इन द फी टॉक टू टीम नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उसको व्हाट्सअप कर दो वो आपको बता देंगे तो चलो हम आगे बढ़ते हैं तो दिस वन एज द आई एफ टी वेबसाइट जो अभी रिसेंट वेबसाइट है मैंने वहां से स्क्रीन शॉट लिया है अमंग द लेटेस्ट अपडेट आपके पास लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स दिख रहे हैं यहीं पे आपका अपडेट होगा सीवी फॉर्म यहीं पे अपडेट होगा सीवी फॉर्म का आफ्टर और डेज आफ्टर फोर वीक आप देख लेना यहां, होगा, या आपको इसी चैनल पे, आप पे हो तो, पे तो नहीं मैं जार बहुत, जार एक्टिव टीम में एक्टिव रहती है वहां पे. आपका पे भी आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ आप ऐप में हो तो वहां भी पता चल जाएगा या टेलीग्राम पे आप देखते रहना आई वुड लाइक टू से लो वीडियो को लाइक कर देना आइकन प्रेस करना बिकॉज यहाँ से कोई भी बकवास अपडेट नहीं जाता है वॉट आई एम से यहां तक तो आपको पता है कि क्या हो चुका यू हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड राउंड चलो स्टार्ट करते हैं आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा सिंस आई एम एट माई विलेज तो बहुत बेयर मेरे पास अभी हैल द वीडियोज इन द बेस्ट वे पॉसिबल मैं बहुत ज्यादा एनिमेशन या किसी का बहुत ज्यादा यूज करता भी नहीं बहुत ज्यादा तो चलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस की बॉस क्या होगा क्या नहीं होगा तो दिस इज द शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट है जिनली बोलता है क्या सो वी हैव दिस्ट शॉर्ट लिस्ट ऑफ वॉट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स आई एफ टी शॉर्टलिस्ट हमारे पास है दिस शॉर्टलिस्ट इज फॉर द एम बी ए फुलग्राम इन विच फॉर द एम बी ए आई बी विच इज फॉर द डेली एंड कोलकाता एम बी ए बी ए फॉर द यहाँ पे गिफ्ट सिटी की भी बात बार बार उठ के आ रही है लास्ट ईयर गिफ्ट सिटी का भी प्रोविजनल अंडर यूजीसी प्रोसेस तो नहीं है बट यूजीसी प्रोसेस को फिर से एक्सकलेट किया गया है तो यू हैव अभी आप ये मान के चलो कि आपके पास टोटल तीन कोर्स है आई बी डेल्ही आई बी कोलकाता बी एड डेल्ही कैंपस फ्यू मोर कोर्सेज कुड बी एडेड लाइक सिटी और बी ए कोलका है तो, अगर आप देखना है, तो टोटल अराउंड थ्री थाउजेंड प्लस शॉर्टलिस्ट है ठीक है अगर मैं देखना स्टार्ट करूंगी अगर इफ यू टॉक डिस्कस अबाउट द एम बी ए का जिनको दोनों का लिस्ट है नाउ कम टू दिस

तो क्या प्रोसेस सेम होगा नाउ द बीए का लास्ट ईयर प्रोसेस डिफरेंट हुआ था बीए के शॉर्ट लिस्टिंग अलग हुई थी अगर आप MBA, IB, BA के लिए हैं तो हो सकता है कॉमन प्रोसेस हो बट जनरली अगर आप ऑनली बी ए के लिए शॉर्ट लिस्ट हो तो प्रोसेस अलग होगा यहां पे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या है क्या नहीं है मैंने कट ऑफ जो प्रिडिक्ट किया था मोर आर लेस कट ऑफ उतनी ही गई है मैंने कंपोजिस्ट को थर्टी प्रिडिक्ट किया था कट ऑफ परसेंट ही गई है 55% इज द बेयर मिनिमम परसेंटाइल हम देखते हैं यहां अब आपको मैं एक बात बता दूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दिस टाइम एज यू सी की 4000 कट ऑफ है अगर मैं 23 25 में जाऊं एंड आई गो एट द बॉटम दिस इज फॉर दी दस हमारे पास कट ऑफ अभी भी उतनी ही है 3948 कट ऑफ यहां पे भी मॉडल्स 4000 कट ऑफ थी ये जो कट ऑफ इंक्लूड हुई है that is this, it has gift city. तो क्या gift city अभी है? Gift city new campus of IFT, जो उन्होंने किया था, UGC में वो अटका हुआ था अभी भी जो गिफ्ट सिटी का स्टेटस है वो यूजीसी में अभी फंसा हुआ है बट शायद वो प्रोसेस को स्टार्ट कर दे हो जाए तो आपके पास मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गिफ्ट सिटी है हो सकता है अभी उसमें दिमाग नहीं लगाना है दे हैव फोर थाउजेंड कट ऑफ अब मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ दे आर प्लानिंग टू गो फॉर द ऑफलाइन इंटरव्यू बट लास्ट ईयर भी उन्होंने ऑफलाइन इंटरव्यू की बात की थी और पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन लेके चले गए थे मैं वो सब कुछ बताऊंगा मत मोरऑल शॉर्टलिस्ट सेम हुई है नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट तो चांसेस है मैं बता रहा हूं कि एट्टी परसेंट ऑफ द चांस कि की ऑनलाइन इंटरव्यू में जा सकते हैं बिकॉज ऑनलाइन इंटरव्यू इज ऑलवेज इजियर टू कंडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है टाइम इफेक्टिव है तो जा सकते हैं अगर मैं आई के कैंपस में होता और एडमिनिस्ट्रेशन में होता तो मैं ऑनलाइन इंटरव्यू को सजेस्ट करता बट लेट सी ऑनलाइन जाते हैं या नहीं जाते हैं उन पर डिपेंड करता है अगर हम लास्ट टू लास्ट ईयर के बेसिस पे तो अराउंड हुई थी बेसिसन एक्स्ट्रा क्यों हुआ था मैं बताता हूँ ये लास्ट टू लास्ट ईयर का है इज का एक्स्ट्रा लास्ट ईयर इसलिए हुई थी बिकॉज गिफ्ट सिटी आया था और कुछ सीट्स एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई थी तो ये दो चीजें थी अब मैं मान लेता हूं कि सीट इंक्रीज हुई है इसलिए इतने शॉर्टलिस्ट दिए हैं गिफ्ट सिटी को हम नहीं देख रहे हैं शॉर्टलिस्टिंग में एज आई डिस्कस की नाइनटी वेटेज है टू परसेंट फॉर द गर्ल्स वेटेज है इज द कैट कट ऑफ फॉर द जनरल बाकी को मैंने अभी तक क्लैश नहीं किया है तो वो उस कट ऑफ पे काम कर रहे हैं अब क्या करना है तो अगर लास्ट ईयर के सिलेक्शन प्रोसेस को देखा जाए तो लास्ट ईयर जो सिलेक्शन प्रोसेस था आई एफ टी स्कोर कंडक्ट हुआ था सिंस लास्ट ईयर था के मार्क्स भी अपडेट हुए थे ट्वेल्थ के मार्क्स भी अपडेट हुए थे इस बार पता नहीं इनको क्या भूत सवार हुआ कि वो प्रोफाइल नहीं देख रहे हैं और दे माइट सी कि मेरे को प्रोफाइल मिला नहीं उनके पास या प्रोफाइल उन्हें समझ में नहीं आया कैट के क्या देखना है क्या नहीं देखना है तो सिंस नॉन इंजीनियर्स इंजीनियर्स का यहाँ पे कोई पंगा नहीं हुआ है शॉर्ट लिस्ट में ऑनली क्या है टू वेटेज दी गई है जेंडर को उन्होंने टू वेटेज दिया गया है तो इन द फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ यहां देखो वैट पी आई का इनका क्या था कि हम जीडी और वैट पी आई लास्ट ईयर करेंगे तो वैट पी आई एक्सटेपरी एंड नाइनटी परसेंट तो मैं नहीं बोलूंगा बट मैं 60 है कि आपके पास वैट जीडीआई नहीं हो आपका एक्सटेम्परी और पी आई हो और ऑनलाइन हो अगर ऑफलाइन हो तो हो 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 होगा तो आपके पास वैट होगा जीडी होगा इंटरव्यू होगा बट अगर ऑनलाइन होगा तो आपके पास एक्सटेम्परी होगा और इंटरव्यू होगा इसके बेसिस पे आप तैयार रहना अब यहाँ पे जो ये लास्ट ईयर का है कि कि कैट का, भी 45 था। लास्ट लास्ट था। प्रेट प्रेट का का था, था, भी होगा, होगा, इसमें अगर ऑनलाइन जाते हैं जेंडर टू होगा यहाँ ये चेंज कर सकते हैं इंजीनियर वर्सेज नॉन इंजीनियर को क्योंकि शॉर्टलिस्ट में सिंस उन्होंने चेंज नहीं शॉर्टलिस्ट में उन्होंने को देखा और जेंडर को देखा है इंजीनियर वर्सेज नॉन इंजीनियर्स को पॉइंट नहीं दिया है तो मैं अगर कमिटी में होता तो मैं शायद इंजीनियर्स को थोड़ा सा पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा देता कैट स्कोर को कम कर सकता था इंटरव्यू को कम कर सकता था वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट को भी मैं इंक्रीज करता क्यों ये मेरा अपना मानना है बट हो सकता है कि अगर वो मेहनत नहीं करना चाहे गवर्नमेंट एजेंसी है तो उनका क्या फर्क पड़ता है क्योंकि प्लेसमेंट में वर्क एक्स थोड़ा सा काम करता है

नॉन इंजीनियर्स के आपके अपने पॉइंट थे ये लास्ट ईयर का पीडीएफ है मुझे लगता है इसी पीडीएफ को अमेंड करेंगे और आपको भेज देंगे वो ये डेफिनेटली लिखेंगे कि वी हैव ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है बट मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू ऑनलाइन जाना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है लेट सी आगे उनके पास क्या है तो ये सब कुछ तो आपने देख लिया कि नाउ द मेन पोर्सन इज इवन अगर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी जाते हैं तो फोर्टी परसेंट मेक इट थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव वेटेज आपके पीआई का है जो कि बहुत बड़ा वेटेज है मैंने एक जो दिखे हैं लास्ट जो आप क्यों बहुत मूवमेंट होती है ये तो लेट प्रोसेस करते हैं तो लोग कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं और आई से बेटर बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में जहाँ लोग प्रेफर करते हैं ज्वाइन करना बिकॉज ये जो मूवमेंट होगी इसमें आई दिल्ली होगा आई कोलकाता होगा

MBA, IB programs का ये PDF है। है। होगा होगा। तो depend करता है, आपको CV forms भरना होगा. In case, opt for the offline CV forms, मैं बोलूंगा कि नहीं करो ऑफलाइन सीवी फॉर्म्स तो हम कभी भरते भी नहीं कि हम ऑफलाइन भरेंगे फिर उसे दिल्ली कैंपस और कोलकाता कैंपस में सबमिट करेंगे नहीं वी फिल द ऑनलाइन कैंपस हम ऑलवेज ऑनलाइन मोड में सीवी फॉर्म फिल करते हैं देन आपके पास ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू होगा तो आपको टीम में में जाना होगा यहाँ पे वो टीम यूज करते हैं आपके पास जूम तो हमेशा होगा आपको एमएस टीम डाउनलोड करनी होगी जस्ट फॉर द आई एफ टी अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो वेब कैम सब जो आपका है वो सब कुछ ठीक होना चाहिए देन आपको सीवी फॉर्म फिल करना होगा आप यहाँ पे क्लिक करोगे दिस इज लास्ट ईयर का वहां पे आपको जाओगे कैड आपको अपना अप्लीकेशन नंबर डालना होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा एम एम डी डी वाई वाई में जीरो को

लास्ट ईयर उन्होंने इसकी सिलेक्शन भी दी थी और बाद में सिलेक्शन को विड्रॉ कर दिया था अलग बात है कि ईडब्लू को छोड़ के आई हियर आई वुड लाइक टू मैं जिनका भी गिफ्ट सिटी में हुआ था अगर वो ईडब्लू में थे तो मूवमेंट नहीं हुई थी बाकी सारे गिफ्ट सिटी को कोलकाता ने एब्जॉर्व कर ली थी तो ये बहुत अच्छी बात है एनीवे anyway, वे चलते हैं तो मैं आपसे चलता हूं कि होता क्या है तो ये आपका रिजल्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज द कैट दिस टाइम एक्सटेम्परी था पर्सनल इंटरव्यू था आपको तीन चीज में जज किया जाएगा

सीवी फॉर्म्स का लिंक होगा आप जब उनके वेबसाइट पे जाओगे तो दिस इज़ अ पीडीएफ जो मैं अपने नाम डालना होगा यहां आपको कैटेगरी डालनी है यहाँ आपको ई एंड मोबाइल नंबर डालना होगा दिस इज फॉर्मेट में ऑनलाइन के साथ लिखना होगा रॉल नंबर डालना है पीडब्ल्यू डी नो डालना है कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है अपलिकेशन नंबर डालना है जेंडर डालना है सिटी डालना है पी आई सेंटर्स वो आपसे पूछेंगे दिल्ली कोलकाता या ऑनलाइन लिए चांसेज है कि ऑनलाइन ही होगा मेटल स्टेटस जश्नो डालना है देन फैमिली बैकग्राउंड आपसे पूछता है आपके फादर का नाम पूछता है आपके मदर का नाम पूछता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछती है सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज दिस इज द मैरिज सेरेमनी में मैं हूँ तो बैकग्राउंड नॉइज होगा तो उसका इग्नोर करना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछता है मदर फादर दोनों का अगर वो प्रोफेशनल है तो यहाँ पे उनका एम्प्लॉयड तो पोजिशन कौन सी है मदर होम मेकर जो भी है नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर्स आपको यहाँ पे फिल करनी होती है वहां बॉक्सेज होती है ऑनलाइन बॉक्स टोटल एनुअल पैरेंटल इनकम आपको डालना है फादर और मदर का लैंग्वेज नोन आपको डालना है इंग्लिश हिंदी बंगाली जो भी आता है आप एक्स्ट्रा कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यश नो यश नो यश नो दिस इज जस्ट फॉर द डेटा पर्पज वजा यूज नहीं है फेवरेट डिस्कशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपका एरिया ऑफ फेवरेट डिस्कशन क्या है प्लीज टू राइट एनी मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं हूँ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो मीनस आप यूट्यूब पे हो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको इसको फिल करना चाहिए कैसे फिल करना है नहीं करना आप अपने मेन्टो से पूछो बट इस टाइप से फिल करो कि दिस इज गोइंग टू बी चांसेस आर यहाँ पे भी कभी कभी, कभी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप जो भी लिखोगे क्वेश्चन पूछेंगे आप यहाँ पे क्या करते हो क्या नहीं करते हो देन आपसे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का डिटेल मांगेंगे कि आपका डिटेल्स ट्विटर में आपका सोशल हैंडल क्या है अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है फेसबुक पे हैंडल क्या है लिंगड क्या है अगर कुछ और है तो अगर आप कोई ब्लॉग रन करते हो तो उसका हैंडल बताओ कुछ और इंस्टा इंस्टा है जिनली मैं इंस्टा को अवॉइड करता हूं बट आप इंस्टा भी डाल सकते हो अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे डालो अदरवाइज थोड़ी बहुत छोटी डिजीज है तो नॉट अपलीकेबल नो लिख के छोड़ दो इसको आप दिस इज द फॉर्म ए का दैट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट देन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है यूर टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ और हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो दैन द पर्सनल प्रोफेशनल एक्शन दैट इज अ जॉब यहाँ पे जॉब डालना होगा अगर करंट जॉब है तो यू हैव टू टिक यस कंपनी डेल डालो अगर कुछ पास जॉब है तो दिस इज द नो एंड दिस इज क्रोनिकल ऑर्डर में हम फिल करते हैं अगर आपके पास कुछ अवार्ड्स एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स है तो आप यहाँ पे डालो एंड आप यहाँ पे बॉक्स एड कर सकते हो लोगों के पूरे के पूरे अचीवमेंट्स दस बारह भरे होते हैं और किसी का ये बॉक्स खाली होता है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा अवार्ड्स होंगे वो जीतेगा ऐसा कुछ नहीं है कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर लेना आप जहां पे भी मुझसे कनेक्ट हो नाउ कम टू द फॉर्म बी करियर फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू टॉक अबाउट द करियर फोकस तो करियर फोकस पे तीन क्वेश्चंस होते हैं यहां ये नहीं लिखा होगा कि आपको हंड्रेड वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं करना है बट जो आपका सीवी फॉर्म्स का डिटेल्ड होगा उसमें हंड्रेड वर्ड्स लिखा है वॉट प्रोफेशनल अचीवमेंट्स यू एस्पायरिंग शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म सो टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोज हंड्रेड वर्ड्स

तो ऐसा कुछ नहीं है आप यहाँ पे पर्सनल भी डाल सकते हो कि दीदी की शादी थी इसकी शादी थी मेरा जॉब था मेरा ये था एग्जाम था मैंने, मैंने किया। आप डाल सकते हो बट कैट प्रिपरेशन को जनरली मैं करता हूं। इन इस है, अल्टर पे भी क्वेश्चन ग्लोबल इवेंट इन द लास्ट सिक्स मंथ ये सिक्स मंथ का है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो वर्ल्ड पे दिखेगा अब यहाँ पे अगर आपके पास कुछ अच्छे वाले पॉइंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज कुछ कॉपी पेस्ट होता है बहुत ज्यादा तो अगर आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो नया का मतलब जो आपको लगता है है लास्ट ईयर बहुत लोगों ने लिथियम 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 लिखा था बिकॉज जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला था दिस ईयर यू कुड हैव मेनी थिंग्स आप प्लान करना सोचना डिस्कस करना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा वाई यू चूज दिस वाई नॉट दिस अभी क्या चल रहा है क्या तुम्हारा एम है इस पे क्वेश्चन दिखते हैं वो क्वालिटी आपने शो तो की है ये भी इंपॉर्टेंट है इस इसपे भी क्वेश्चन है ऐसा क्यों किया कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्या है क्या नहीं है लाइक दिस कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन वन ऑफ फेमस एचआर क्वेश्चन जो मैं इंटरव्यू में पूछता हूं तो आपको इसमें तैयार होना होगा एनी अदर इंफॉर्मेशन यू लाइक टू मैं यहां पे भी नो मत लिखना डेफिनेटली यू शुड हैव समथिंग टू राइट वर्ड्स में ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं फॉर्म बी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ए जिसमें आपका पर्सनल है इस इसपे भी क्वेश्चन आता है कि क्यों है नहीं है अगर आपके मार्क्स ड्रॉप होते हैं तो उस उसपे क्वेश्चन आता है क्या सब्जेक्ट्स है क्या सब्जेक्ट नहीं है वो आपका दिखता है देन बाकी भी आपके दिखना स्टार्ट होते हैं तो दिस इज द फॉर्म बी फॉर्म सी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका वर्ड डॉक चला गया है सीवी नाइन पॉइंट जीरो मुझको फिल करना है एंड द लास्ट में डिक्रेशन दिस इज वॉट आई वॉट वुड लाइक टू से ये आपका प्रोसेस है द फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस तो बहुत सिंपल था वी हैव अ शॉर्ट लिस्ट फर्स्ट प्रोसेस में वी हैव अ अटलिश दिस इज़ द प्रोसेस वन हमने कैट दिया दिस इज द प्रोसेस ज़ीरो हमने फॉर्म फिल किया था प्रोसेस टू है एंड द प्रोसेस थ्री आई वुड लाइक टू मैंसन कि मैम प्लीज आर हियर आई वुड लाइक टू मैंसन मैम प्लीज़ डू नॉट व्हाट्सअप आर टीम बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं आपके मैसेज से कि अमीर सर ने सेक्शनल कट ऑफ बोला था सेवेंटी फाइव और एटी बट यहाँ तो सेक्शनल फिफ्टी फाइव है अमीर सर इज़ अ लॉन्ग बट आप अमीर सर ने क्या क्या सही बोला वो नहीं देखते हैं आपने एक और मैसेज किया कि एम में कट ऑफ अमियर सेट सर इज द सेवेंटी फाइव बट मेरे बेटे का तो सेवेंटी फाइव से कम है एंड सिलेक्शन है बहुत अच्छी बात है ना आपके बेटे को कम में आ गया तो इससे खुशी हो ही नहीं सकता बट से कि अमीर सर इज ए रॉन्ग बिकॉज अगर आपके बेटे को सेवेंटी थ्री और बिलो सेवेंटी थ्री कॉल्स आ रहा है तो इट हैज प्रोफाइल और उसको गॉडलेस मिला है उसके लक के लिए आप खुश रहिए तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू तो से कि आप ये हो वो हो सी द पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एवरी थिंग एंड आगे बढ़ो

तो द कैट ऑज द फॉर्म जीरो फॉर्म फिल किया दिस फॉर्म प्रोसेस वन टू में आपका क्या होगा यू हैव फॉर्म ओपन होगा आपको सीवी फॉर्म अच्छे से भरना है थ्री में आपके पास क्या होगी आपकी इंटरव्यू आएगी ऑनलाइन ऑफलाइन दो भी जा सकता है फोर्थ में आपके पास रिजल्ट आना स्टार्ट होगा एंड फिफ्थ बाकी प्रोसेस चलता है तो दिस इज ऑल अबाउट द आई एफ टी प्रोसेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या व्हाट्सअप इस नंबर पर आप कर सकते हो नाउ फॉर आई एफ टी वी हैव ऑनली थर्टी सीट्स

आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा फीज द टू ट्रिपल नाइन एंड प्लीज डू नॉट से दिस इज ऑन साइड्स जस्ट डॉक्टर्स का जो हमारे रांची में आई बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ रांची यहाँ एक डॉक्टर कंसल्टेंट अगर आपको एक सर्दी खांसी भी हो गई तो थाउजेंड रुपीज लेते हैं उसके बाद वो आपसे बात करते हैं वी आर टेकिंग जस्ट द्री थाउजेंड तो यहाँ पे भी ये नहीं है अगेन मेरे टीम ने मुझसे कहा कि सर एक मैम ने कहा था ये मैम ही क्यों बोलती है मुझको ये समझ नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा

परचेज करके देखना उतना टाइम सीटी नहीं बचा है एंड वी आर प्लानिंग टू कम विद द मॉक प्लस बुक्स फॉर द कैट 2024 बट अभी आपका दिमाग होना चाहिए आपके पास जितने भी कॉल्स हैं उस कॉल्स को कन्वर्ट करने के लिए फाइन तो कोई भी डाउट हो आप मिलना यू हैव अ राउंड वन आईएफटी का उसमें अपना बेस्ट देना एंड माई एम इज टू गिव कंप्लीट प्रोसेस आई ट्राई टू गिव एवरीथिंग द बेस्ट वे पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज हो कुछ डिस्टर्बेंस हो बिकॉज आई एम नॉट इन माई स्टूडियो नॉट इन माई ऑफिस तो आप इसको बेयर करोगे मुझे सॉरी करोगे एंड मैम टू ऑल मैम्स अगर आपको लगता है कि हम ये गलत कर रहा है तो हम ये को फॉलो मत कीजिए बट मैं हमेशा 98% कॉन्फिडेंस अगर आपको रिसल्ट एनालिसिस पता होगी तो जनरली कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होता है मैं 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ बोलता हूँ कि जो भी रिसल्ट है वो सही है एंड दैट टू ऑल द रिग्रेशन मॉड्यूल रन करने के बाद 2% एरर होते हैं अगर आप उस 2% ब्रैकेट में हो तो यू आर द आउटलायर आई डोंट से सॉरी टू यू बट आई फील सॉरी फॉर यू ओके मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गॉड ब्लेस यू बाय-बाय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक like कर दीजिएगा एंड अपना बेस्ट देते रहिएगा गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय-बाय